नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है सर्वोदय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज भानमो में घोटाले को लेकर के। तो हमारे पास मौजूद हैं विद्यालय के प्रबंधक के जो है जगह पर जो है ऑडिटर महोदय, जो प्रबंधक महोदय रामचरण वर्मा है नए संस्था के, उन्होंने इनके ऊपर नोटिस भेजा है, आरोप लगाया है, शिकायत की है। तो मैं इसे जानना चाहता हूँ कि सर्वोदय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज भानमो के आपके ऊपर शिकायत की है, तो उसके बारे में क्या कहना है, क्यों शिकायत की, मामला क्या है? देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार रावत है। मैं सर्वोदय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज भानमो बाराबंकी का नवनियुक्त ऑडिटर हूँ। प्रबंधक श्री रामचरण वर्मा को ये जानकारी नहीं है कि इस संस्था की स्थापना किस सत्र में की गई। वो अपने आप को जो हमको पत्र उन्होंने भेजा है, उस पत्र में लिखा है कि जब से संस्था की स्थापना हुई है तब से मैं लगातार प्रबंधक के पद पर चला आ रहा हूँ। तो उनका यह कथन गलत और असत्य है, क्योंकि इस संस्था की जब स्थापना हुई तो हमारे ग्राम पंचायत भानमो के प्रधान श्री महमूद और उनके सहयोगी असरफी लाल रावत, विक्रम सियाराम नेता व सुंदर लाल मौर्य व अन्य ग्रामीणों ने इस संस्था की स्थापना की। स्थापना करने के बाद संस्था के सदस्यों द्वारा श्री राजकुमार पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम व पोस्ट भानमऊ को संस्था का प्रथम प्रबंधक नियुक्त किया गया। उनके सरकारी सेवा पद मतलब उनको सरकारी नौकरी मिलने पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद संस्था के सदस्यों द्वारा श्री राम नारायण सोनी को उक्त संस्था का प्रबंधक नियुक्त किया गया और उनको अवैध गलत तरीके से हटाते हुए श्री रामचरण वर्मा ने अपने आप को संस्था का प्रबंधक घोषित किया है। मैं इनकी शिकायत से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा चयन सर्वोदय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने जो शिकायत की है उसके संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध हैं कि संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद कुमार वर्मा जी द्वारा मुझे 15/11/2021 को संस्था की साधारण सभा का सदस्य मनोनीत किया गया और साधारण सभा के उपरांत सदस्यों की सहमति के आधार पर 26/4/2022 को सभी सदस्यों की सहमति से मैं उक्त संस्था का ऑडिटर नियुक्त किया गया। ऑडिटर का संस्था में कार्य होता है कि समस्त अभिलेखों का लेखा प्रशिक्षण करना, जांच करना, पड़ताल करना कि सम अभिलेख सही हैं कि गलत हैं, उनका लेखा परीक्षण मतलब ये संस्था के ऑडिटर के बैलाज के अनुसार करना नियम है उसका और परम कर्तव्य है। उसके संबंध में मैंने श्री रामचरण वर्मा प्रबंधक सर्वोदय इंटर कॉलेज भानमो बाराबंकी को दिनांक 14/3/23 व 12/4/23 और अंतिम अनुश्रमक पत्र 28/4/2023 को प्रेषित किया कि उसमें लिखा मैंने कि संस्था के समस्त आय बिल वाउचर और बैंक पासबुक हमको उपलब्ध कराई जाए। संस्था में 16 लाख रुपए लगभग का घोटाला किया गया है, जिसकी मेरे पास रामचरण वर्मा द्वारा रिसीविंग मतलब हस्ताक्षर उनके हैं, मोहर उनकी है, उसकी कॉपी हमने प्राप्त किया है विद्यालय के लेखाकार से, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अपनी गबन की गई धनराशि की जाँच न कराई जाए हमारे द्वारा, उसको छुपाने के लिए उनके द्वारा मुझे ये नोटिस दी गई है और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप फर्जी और मतलब फर्जी नियुक्ति आपकी की गई है, जबकि साधारण सभा की सामान्य बैठक का मैं सदस्य हूँ और विद्यालय की संस्था की सदस्यता शुल्क मैंने जमा की है। संस्था के बैलाज में एक नियम और भी है कि यदि किसी भी सामान्य सदस्य द्वारा संस्था को 1,000 रुपये से अधिक चल या अचल संपत्ति दी जाती है तो वो संस्था का आजीवन सदस्य रहेगा। तो उनके संबंध में हमको अवगत कराना है श्री प्रबंधक जी को कि जो संस्था के अहित में ये कार्य किए जा रहे हैं, क्यों ना अध्यक्ष महोदय को पत्र मैं लिखूंगा, आज डीएम साहब को भी पत्र लिखूंगा कि उनके प्रबंधक पद के दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से शिकायत फर्जी है, इस तरीके से कि स्वतंत्र प्रभात एक अखबार है दैनिक,
उसके जो क्षेत्रीय ब्यूरो हैं, जो क्षेत्रीय रिपोर्टर हैं सतीश कुमार की द्वारा जो एक खबर छापी गई है भ्रामक तरीके से कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, खबर आपके सर्वोदय शिक्षा निकेतन की छापी जा रही है लेकिन जिसमें फोटो लगाया गया है फोटो किसी अन्य स्कूल का है। इस तरीके से मीडिया चतुर्थ होती है, मीडिया के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं लेकिन जब ऐसे पत्रकार ऐसे अखबार हो जाएंगे कि जो है भ्रामक खबरें छापेंगे तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे उस पत्रकार के ऊपर और उस जो है स्वतंत्र प्रभात के जो संपादक हैं और ब्यूरो चीफ है बारामती जिले के, इन जो है खबर नबीसों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जैसे कि किसी अन्य भ्रामक खबर न छापे किसी का हित न कर सके, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए विद्यालय की खबर जो उन्होंने बड़े भाई पत्रकार बंधु श्री सतीश कुमार ने छापी है उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो खबर छपे, खबर छपने के लिए मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि ना छपे लेकिन जो खबर छपे वो सत्य छपे, क्योंकि लोकतंत्र को चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार बंधु को। पत्रकार बंधु अगर ऐसे काम करेंगे कि विद्यालय की कहीं और की फ़ोटो और सर्वोदय विद्यालय के नाम की खबर में फ़ोटो छाप देंगे तो ये जघन्य अपराध है। मैं संपादक महोदय को पत्र के द्वारा अनुरोध करूँगा कि ऐसे पत्रकारों को हटाते हुए किसी अन्य पत्रकार को चयनित करें और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य से मैंने फोटो के संबंध में प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराने का प्रयास किया, पत्र दिया तो उनके द्वारा भी ये लिखित रूप में दिया गया है कि ये मेरे विद्यालय की फोटो नहीं है। जी तो इस घोटाले का मामला है और जो आज के युग में मीडिया को भारत का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है और जो है अदालत के बाद मीडिया पर लोग भरोसा करते हैं कि अदालत से भी कोई त्रुटि होती है तो मीडिया उसको उजागर करती है लेकिन जब ऐसे ऐसे तथा कथित पत्रकार संपादक ब्यूरो चीफ हो जाएंगे कि जो है फोटो कहीं का खबर कहीं की भ्रामक खबरें छापेंगे जिससे कि मीडिया के ऊपर भी प्रश्नचिन्ह लगे बहुत ही अक्षम्य अपराध है, तो मैं अपने जो हमारे सहयोगी हैं इनके द्वारा कहूँगा कि कठोर कार्रवाई पत्राचार के माध्यम से करें संपादक के ऊपर, ब्यूरो चीफ के ऊपर और क्षेत्रीय रिपोर्टर सतीश कुमार के ऊपर जिससे कि इसके पुनरावृत्ति न हो और जो है मीडिया पर लोग भरोसा करें। ये जघन्य अपराध है, इनके ऊपर तुरंत मानहानि के दावा करें और जो है ये सब कार्रवाई करें जिससे कि समाज में छवि मीडिया की धूमिल न हो पाए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार कैमरा पर्सन आर एस शर्मा के साथ बारह बंकी।